श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। खर मास चल रहा है और 20 दिसंबर को खर मास की अष्टमी तिथि, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है। तो आज की इस वीडियो में जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है धन संपदा के लिए। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, संपदा की कमी है या घर में पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा, तो आपको एक छोटी सी चीज लाल कपड़े के अंदर बांध कर आपको अपने घर में रख लेनी है। मात्र इतना सा उपाय, अगर आप केवल 2 महीने तक इस चीज को अपने घर में रख लेंगे तो आपके घर में धन संपदा में वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तो बहुत ही अचूक उपाय बताने वाली हूँ, छोटी सी वीडियो है, पूरा जरूर देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले तो इस उपाय को करने के लिए हमने जो लेना है, हमने लेनी है बेलपत्री। जी हाँ, भोले बाबा के मंदिर में जब हम जाते हैं, बेलपत्री समर्पित करते हैं तो हमारी समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन अगर माँ लक्ष्मी के लिए कोई आपको प्रार्थना करनी है, कामना करनी है, उपाय करना है, तो उसके लिए आपको कुछ विशेष करना पड़ता है। तो आपको भी लेनी है 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री साफ सुंदर आपने ले लेनी है, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भोले बाबा पर हम जो भी चीज समर्पित करते हैं वो खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर कोई खंडित वस्तु हम समर्पित करते हैं तो उसे भोले बाबा जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं, हमें दोष लगता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, पत्ती पूर्ण होनी चाहिए, 3 पत्तियां बहुत सुंदर सुंदर इसकी बनी होनी चाहिए। 7 बेलपत्री बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी, ले लीजिए। इसके साथ हमें चाहिए पीला केसर। जी हाँ, पीला चंदन है तो वो भी ले सकते हैं, अगर नहीं तो आपके पास केसर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा जल मिलाकर उसका एक घोल की तरह आपने, तिलक की तरह तैयार कर लेना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 बेलपत्री को आपने पकड़ना है अपने हाथ की उंगली के साथ, अनामिका उंगली है, किसी भी उंगली के साथ आपने सबसे पहले ये जो बीच वाली पत्ती है इसके ऊपर आपने अपनी कामना के साथ यहाँ पर आपने ओम लिखना है। जी हाँ, जैसे आप देख पा रहे हैं ऐसे आपने ओम बनाना है, बहुत ही सुंदर सा ओम यहाँ पर। 7 बेलपत्री की ये जो बीच वाली पत्ती है यहाँ पर आपने ओम का निर्माण करना है। उसके बाद ये जो 2 पत्तियां आपके पास है ये आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक के ऊपर आपने माता आदिशक्ति के नाम की आपने बिंदी लगानी है और दूसरी पत्ती के ऊपर आपने माँ रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगानी है। जी हाँ, इन दोनों पत्तियों के ऊपर आपने केवल बिंदी लगानी है। बिंदी आप लगाएंगे एक आदिशक्ति माँ के नाम की, यानी कि माता पार्वती के नाम की, और दूसरे पत्ते पर बिंदी लगाएंगे गणेश भगवान की जो पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि, जिनकी वजह से हम अपने जीवन में सुख समृद्धि पाते हैं, उनके नाम की आपने बिंदी लगा लेनी। ऐसे ही 7 बेलपत्री के ऊपर आपने, इन दोनों पत्तियों के ऊपर आपने माँ का ध्यान करते हुए आपने बिंदी लगा लेनी है और बीच वाली पत्ती पर आपने 7 बेलपत्री पर ओम का निर्माण कर लेना है। आपने इन 7 बेलपत्री को लेकर जाना है आपने भोले बाबा के मंदिर में। वहां पर जाकर सबसे पहले 1 बेलपत्री अपने हाथ में लीजिए, अपनी कामना करिए, जो भी आपके घर की समस्या है उसके निवारण के लिए, नौकरी नहीं लग रही, धन नहीं आ रहा, या फिर घर में बहुत ज्यादा अशांति का माहौल है, धन संपदा की कमी है, तो हाथ में 1 बेलपत्री पकड़कर कामना करिए। उसके बाद आपने वो बेलपत्री अपनी कामना के साथ आपने भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। फिर दूसरी बेलपत्री भी आपने अपनी कामना के साथ समर्पित कर देनी है। ऐसे ही 7 बेलपत्री आपने भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित कर देनी है। इस उपाय को अष्टमी तिथि के दिन करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। गुरु जी ने बताया है सोमवार की अष्टमी को अगर हम ये उपाय करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। लेकिन अभी जो अष्टमी चल रही है, अभी पड़ेगी, ये पड़ेगी बुधवार की अष्टमी और ऊपर से खर मास चल रहा है, तो खर मास में अगर हम कोई भी उपाय करते हैं उसका शीघ्र हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि खर मास में जितनी पूजा आराधना करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उसका आपको हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, खर मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, केवल परमात्मा का नाम जाप किया जाता है, सूर्य देव की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इस उपाय को पूरी श्रद्धा भावना के साथ आपको करना है। उसके बाद जब 7 बेलपत्री आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है, वहीं पर बैठ के मंत्र जाप करिए, जो भी आप भोले बाबा का नाम जाप करते हैं। फिर आपने उन 7 बेलपत्री को उठा लेना है। उठाने के बाद
एक लाल कपड़े के अंदर अपने घर में लाकर लाल कपड़े के अंदर आपने इन सातों बेलपत्री को रखना है और उन्हें ऊपर से लाल धागे के साथ ही आपने बांध कर अपने घर की तिजोरी के अंदर आपने इन्हें रख लेना है, अलमारी में रख लेना है, जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर आपने रख लेना है। इसको आपने जो रखना है केवल 2 महीने तक रखना है। जी हाँ, 2 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि धन संपदा में वृद्धि होने लगेगी। पैसा कहाँ से आएगा आपको कोई पता नहीं चलेगा। महादेव की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अपार बरसने लगेगी। केवल 2 महीने तक रखिएगा, उसके बाद आपने इन्हें जल प्रवाहित कर देना है। फिर आप इस उपाय को करिए, दोबारा से इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं अगर आपको इसका लाभ मिल रहा है तो। बहुत ही अचूक उपाय है, उपाय पूरी श्रद्धा भावना के साथ करिए और इसका लाभ हासिल करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी।